सोनभद्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला अस्पताल को प्रशासन ने दूसरे लेवल के कोरोना अस्पताल में बदलने का निर्णय लिया है। जिला अस्पताल में इसके लिए इमरजेंसी सेवाओं को तत्काल रूप से बंद कर दिया गया, जबकि ओपीडी सेवाएं जिला अस्पताल में पहले से ही बंद हैं। आपको बता दें कि सोनभद्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक जिले में 280 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, इनमें से 71 ठीक होकर घर जा चुके हैं और एक की मृत्यु हुई है। इस तरह कुल 208 एक्टिव मरीज अभी भी जिले में मौजूद हैं। लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन के सीएमएस ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला अस्पताल को दूसरे लेवल का अस्पताल बनाया जा रहा है और सभी मरीजों को यहां से छुट्टी दे दी गई है। बीती 17 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद शासन के निर्देश पर जिला अस्पताल को दूसरे लेवल कोरोना अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया और यहाँ कार्यरत डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं अन्य मरीजों की समस्या को देखते हुए सीएससी और पीएससी सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी और मरीजों को वहां भर्ती भी किया जा सकता है। जिला चिकित्सालय में जो ट्रामा सेंटर हमारा है, उसमें हम 15 बेड का टियर 2 हॉस्पिटल बनाए हैं, जिसमें हमारे 6 वेंटिलेटर कार्यरत हैं, कार्यशील हैं और 15 बेड भी हमारे लगे हुए हैं। अगर कोई मरीज, दो मरीज जब भर्ती हुए हैं, एक मरीज वेंटिलेटर ऑक्सीजन पर है, एक मरीज नॉर्मल है। और 17 तारीख की शाम को मुख्यमंत्री की मीटिंग थी, इसी थी जिसमें वो अटेंड किए। सोनभद्र से जनमत न्यूज के लिए शरद सोमानी की रिपोर्ट।